Assalamualaikum guys, my name is Syed Abbas from Zaidi and आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। लास्ट टाइम की वीडियो अगर आपने गाइस नहीं देखी है तो उसके अंदर हमने बेसिक लॉजिक गेट्स को डिफाइन किया था, तो आप वो वीडियो हमारी लाजमी देखिए। उसके बाद आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स ऐसे गेट्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम लोग कोई भी गेट यानी कोई भी बेसिक गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो जो है वो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, एक होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। नैंड और नॉर गेट जो होते हैं ये बेसिकली एंड एंड और के साथ नॉट लगा देते हैं हम, तो वो नैंड बन जाता है। यानी एंड गेट के साथ हम नॉट लगा दें तो वो नैंड बन जाएगा, और गेट के साथ नॉट लगा दें तो वो हमारा नॉर बन जाएगा। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, डायग्राम के थ्रू किस तरह से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनाया जाता है, और इनकी आईसीज नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट जो हमारे पास होता है इसको हम एंड गेट बनाते हैं एक, और एंड गेट के आगे हम एक नॉट का साइन लगा देते हैं, ये हमारा नैंड गेट बन जाता है। ये दो हमारी इनपुट्स हो जाती हैं ए एंड बी, और ये हमारे सी आउटपुट हो जाती है। ये हमारा नैंड गेट है। नैंड गेट का आईसी नंबर जैसा कि मैंने बेसिक लॉजिक गेट्स की वीडियो के अंदर बताया था कि आईसी नंबर, अगर हम कोई भी गेट या कोई भी सर्किट डिज़ाइन करने जा रहे हो सॉफ्टवेयर के ऊपर या फिजिकली डिज़ाइन करने जा रहे हो, तो उसके लिए हमें आईसी की ज़रूरत पड़ती है, और आईसी नंबर वाइज मार्केट में अवेलेबल होती हैं या उनको एक नंबर के थ्रू उनको एक नाम दिया जाता है। जैसे हमारे पास अब ये नैंड गेट है, नैंड गेट का आईसी नंबर होता है 74LS00। 74LS00 का मतलब 74 जो होता है ये इसका फैमिली नंबर होता है, LS जो होता है ये कंपनी का नेम होता है, और 00 इसका नंबर होता है नैंड गेट का। अब हम नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाएंगे कि किस तरीके से ट्रुथ टेबल बनाया जाता है। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है हमारे पास 2 इनपुट नैंड गेट्स है, ये 3 इनपुट्स भी हो सकता है, ये 4 इनपुट्स भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा गेट यूज़ कर रहे हैं। आप 2 इनपुट वाला गेट यूज़ कर रहे हैं या 3 वाला, हम यहाँ पे 2 इनपुट गेट यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग किस तरीके से पॉसिबल इनपुट्स इसकी फाइंड करते हैं। पॉसिबल इनपुट्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2n, यानी जितनी इनपुट्स हैं वो हम n में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 2 = 4, यानी हमारे पास 4 पॉसिबल इनपुट्स बनेंगे। इसका अब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ए बी एंड सी 4 पॉसिबल इनपुट्स बनानी है हमने, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 4 पॉसिबल इनपुट्स बन गई। अच्छा, नैंड गेट की अब आउटपुट किस तरीके से होती है। अब जैसे कि आपको पता है एंड गेट जो होता है, जब एंड गेट हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई एंड गेट का फंक्शन होता है परफॉर्म करना, अगर हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर 0 ही आता है, लेकिन जब उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं तो वो हमारे पास वैल्यू जो है वो उसकी ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है 1 के अंदर। तो इसका आउटपुट हमारे पास 1 आएगा, इसका भी आउटपुट 1 आएगा, इसका भी आउटपुट 1 आएगा, और इसका आउटपुट हमारे पास 0 आएगा। यानी इस ट्रुथ टेबल से हमें ये चीज़ भी पता लगती है कि नैंड गेट जो होता है जब उसकी बोथ इनपुट्स हाई होती हैं तो हमारे पास उसकी आउटपुट जो है वो लो आती है, जब उसकी बोथ इनपुट्स हाई होती है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड यूनिवर्सल गेट की साइड पे, जो है नॉर गेट। नॉर गेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है नॉर गेट की रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से नॉर गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी पहले और गेट और उसके बाद और के बाद एक नॉर गेट लगा दिया जाता है, तो वो हमारे पास नॉर गेट बन जाता है। नॉर गेट का आईसी नंबर क्या होता है, 74LS02 जो है वो हमारे पास नॉर गेट का आईसी नंबर होता है। और इसके साथ अब हम इसका ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करेंगे कि किस तरीके से नॉर गेट अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हमारे पास उसी तरीके से 2 इनपुट्स हैं, पॉसिबल इनपुट्स हमारी 4 होंगी, 1 0 0 1 एंड 1 1। नॉर गेट जो है उसमें हमारा आंसर किस तरीके से आता है, नॉर गेट 0 0 पे आंसर 1 देता है, 0 0 एंड 0।
ये हमारे पास किस तरीके से चीज़ आई, अगर हम और गेट का यहाँ पे प्रोसेस परफॉर्म करवाएं और उसको नॉट कर दें तो हमारे पास ये जो है नॉर गेट बन जाता है, यानी नॉर गेट जो हमारे पास होता है उसका आंसर इनवर्स होता है और गेट के, और जो नैंड गेट होता है उसका आंसर हमारे पास इनवर्स होता है एंड गेट के, यानी इन दोनों गेट्स का आंसर एंड और गेट के इनवर्स होता है। यानी कि इस चीज़ से ट्रुथ टेबल को देख के हमें एक और चीज़ भी ये समझ आती है कि जिस टाइम नॉर गेट की इनपुट्स लो होंगी तो हमारे पास आउटपुट हाई आएगा, और जब हमारे पास इनपुट्स हाई होंगी तो हमारे पास आउटपुट लो आएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आज हमने यूनिवर्सल गेट्स को पढ़ा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ देखते रहिए।